महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निवीर योजना के विरोध में भागलपुर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। भागलपुर में आज पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार के बर्बरता पूर्वक रवैया, जन विरोधी नीतियां, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निवीर योजना के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में किया जा रहा है। उसी बाबत भागलपुर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार को कोसते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का भी आयोजन भागलपुर के रेलवे स्टेशन परिसर चौक पर किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करने के बजाय सिर्फ धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ाने का काम करती है। दूध, दही, खाद्य सामग्री, रसोई गैस, तेल पर जीएसटी लगाने को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर यह सरकार लोगों को डराने धमकाने का काम करती है। केंद्र सरकार के बर्बरता पूर्वक रवैया, जन विरोधी नीतियां, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निवीर योजना के विरोध में इस धरना प्रदर्शन में परवेश जवान, प्रवीण कुशवाहा, बिहार के सह प्रभारी ब्रजलाल छाबरी के अलावा दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ध्यान देना मेरे भाइयों, आते जाते मेरे साथियों, और दूध फट गया तो उसे छेना बनाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि दूध में तो टैक्स जीएसटी दे के लाए हो और घर में अगर इसका कमी निकाल लिया, छेना निकाल लिया, तो फिर जीएसटी वाले आपके दरवाजे धमक जाएंगे। ये शुक्ल की ये जुर्म सरकार यहाँ पर है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।